गाइस तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कॉटन कैंडी मिल्किंग मशीन। ठीक है, तो जिस प्रोजेक्ट से जो है ना हम कॉटन कैंडी इजीली बना पाएंगे, तो चलिए इस कॉटन कैंडी को बनाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि मैंने इसको पहले से बना के रखा हूँ। क्या वो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये हमारा एंगल ग्राइंडर है जिसको कि मैंने एक साल पहले बनाया था। ठीक है, तो इसको जो है ना हम कॉटन कैंडी मशीन इसके साथ बनाएंगे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं होगा तो इसके अंदर लगा हुआ है 355 का एक मोटर, डीसी मोटर लगा हुआ है जो कि 12 वोल्ट से चलता है। तो आपको एक मार्केट में आपको ये 150 रुपये में मिल जाएगा। एक मोटर को लानी है और मैंने कुछ इस टाइप के कुछ जुगाड़ बना दिया है, लेकिन आपको ऐसा जुगाड़, ये वाला जुगाड़ आपको नहीं बनानी है। क्यों नहीं बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गाइस, क्योंकि मेरे पास ये एंगल ग्राइंडर के साथ कनेक्ट था, इसलिए मैंने जो है इसको यहाँ पे यूज़ में ले लिया। आपके पास नहीं होगा ना तो आप एक छोटे से जो टीन का एक छोटी सी डिब्बा होता है उस डिब्बे के ले लेना। डिब्बों को ले लेने के बाद आपको ना इस पीछे खोल करके इस मोटर का साफ के साथ जो है ना इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पहले से ऑलरेडी बना के रखा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको यह दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया कि मतलब इसको मैंने जब बनाया ना, तो उस टाइम हमारे गांव में, मतलब जो हमारे घर में लाइट की कमी थी, लाइट नहीं थी और मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं था, इसी वजह से इसका जो वीडियोस है ना मैं बना नहीं पाया। लेकिन इसको किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे स्नो स्प्रे का एक डिब्बे का यूज़ में लिया हूँ और इसको बीच में से कट कर किया और एक कील से ना इस तरीके से कुछ होल किया हूँ साइड में से, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने इसको होल किया हूँ। तो इसे होल करने से क्या होगा कि जब यहाँ पे शुगर, मतलब हम जो डालेंगे ना जो कॉटन कैंडी बनाने के लिए, वो जो लिक्विड है वो इस चारों तरफ से ये घूमेगा। जब घूमेगा तो ये चारों तरफ से इसको इसे साइड में फेंकेगा। ठीक है, जब फेंकेगा तो वो जो है ना हमारी कॉटन कैंडी बनेगी। ठीक है उससे, लेकिन इसके जो है ना इसके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं फिलहाल अभी बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको दिखा लेता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप के है हमारा जो कॉटन कैंडी का जो ये है, मतलब बीज वाला सेक्शन जिसके कि हम लिक्विड को डालेंगे। ठीक है, जो चीनी का जो शुगर का लिक्विड है इसको इसके अंदर डालेंगे। और ये जो साफ्ट है ना, मैं आपको गाइस एक हाथ से इसको कनेक्ट करके भी दिखा लेता हूँ। गाइस इसको कुछ इस टाइप से करना है आपको। बस इसको एक बनाने के लिए ना एक हमको एक कार्टून बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कार्टून बॉक्स हमारे पास नहीं है फिलहाल, हम ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद कार्टून बॉक्स अगर हमको मिलता है तो हम जो है ना इसको इस तरीके से इसके अंदर लगा लेंगे और इसका शुगर भी बनाना बाकी है। तो पूरा वीडियोस देख लेना, क्योंकि इसका जो इसके अंदर जो लिक्विड डाला जाएगा, जो चीनी मतलब जो शुगर होता है, उस शुगर के साथ कलर फ्लेवर ऐड करके उसको हम बनाएंगे, घर पर बनाएंगे। पूरी तरीके से इस वीडियो पे बने रहना। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो गाइस हमारे प्लान के साथ कुछ चेंजेस करना पड़ा अभी। तो गाइस क्या चेंजेस किए हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइस कुछ हमारा जो प्लान था ना, हम सोच रहे थे कि इस एंगल ग्राइंडर का यूज़ करेंगे और एक कार्टून बॉक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन कार्टून बॉक्स मेरे को नहीं मिला। तो इस वजह से जो है ना मैं एक जो प्लास्टिक का टॉप आता है, इस टॉप का यूज़ मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टॉप को हम यूज़ में लेंगे। और गाइस इससे जो है ना मैंने इस 355 मोटर को निकाल दिया हूँ और इस शाफ्ट को कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। और इसको जो है ना गाइस, ये इसके बीच में से एकदम से सेंटर में लग जाएगा। तो सेंटर में जब लग जाएगा तो गाइस ये जब घूमेगा तो इसमें कॉटन कैंडी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकिन हमको यहाँ पे लगाना बाकी है, तो चलिए इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए मैं कुछ जुगाड़ का यूज़ में लूँगा, तो चलिए मैं इसको जो है इसको यहाँ पे लगाऊंगा। और लगाने के बाद जो है ना हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगी। और आपको जो है ये वायर दिख रहा है ना गाइस, ये इसमें 12 वोल्ट जब देंगे ना, ये पूरी मतलब फुल पावर के साथ ही घूमना शुरू हो जाएगा। ये जब घूमेगा तो इसके अंदर जो है हम ये हमारा जो लिक्विड, हम जो शुगर का सिरप है इसको डालेंगे इसके अंदर, तो ये हमारा कॉटन कैंडी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्लानिंग तो है ही है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, करेंगे तो ही जाके हमको पता चलेगा। तो चलो, तो गाइस आपको ना यहाँ पे मैं कुछ मैंने आपको बोला था कि इसको जो है आपको कुछ इस टाइप से इसको जुगाड़ से कस देना है। तो गाइस मैंने इस मोटर को जो है ना, इस टॉप को मैंने लिया हूँ, इस टॉप जो है ना मेरे घर में इसे पड़ा हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना यहाँ से फटा हुआ है। ठीक है, तो गाइस का हमेशा जो है ना पुरानी चीज़ों से एक नई चीज़ें बनाई जाती है हमारे चैनल पर। तो इसको जो है ना गाइस, मैंने इसको कुछ लोहे के पत्ती के साथ कनेक्ट करके इस मोटर को, यहाँ पे 355 का मोटर है जो कि हाईली पावरफुल होता है और
इसको जो है हमारा साफ को जो है ना इसके साथ मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। गाइस ये हिलने डुलने वाला नहीं है और पूरी तरीके से मैंने एक बार इसको टेस्ट किया था पानी के साथ, पानी यहाँ पे डाल के इसको पावर सप्लाई दिया था। आप देख सकते हो मोटर का वायर जो है यहाँ से आया है और ये हमारा मोटर का वायर है, ठीक है। इसको जब हम पावर देंगे तो ये बहुत मूव करेगा, बहुत ज़ोरों से मूव करने के बाद जो है ना हमारा कॉटन कैंडी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं इसको जो है ना आपके सामने आँखों के आगे इसको टेस्ट करेंगे कि मैंने इसको जो है एडजस्टमेंट कर लिया हूँ, तो चलिए उस थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपने यहाँ तक तो देख लिया कि हमने जो है ना हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको बना दिया है, ठीक है। मतलब हमारा जो कॉटन कैंडी मशीन है हमने इसको पूरी तरीके से बना लिया है, लेकिन एक चीज़ है कि तो चलिए शुगर सिरप किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो शुगर सिरप होता है, मतलब चीनी, मतलब आप बोल सकते हो चीनी के हिंदी, चीनी को हिंदी में बोला जाता है शक्कर, ठीक है। शक्कर, पानी और फूड कलर, ये तीनों को मिला के हम जो है ना इसका शुगर मतलब फ्लेवर बनाएंगे और इस फ्लेवर को बनाने के बाद इसको टेस्ट करेंगे, पावर देके जो है ना हम कॉटन कैंडी बनाएंगे। पूरी की पूरी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सामने दिखाऊंगा, तो वीडियोस में बने रहना क्योंकि यहाँ से जो है ना वीडियो स्टार्ट होती है। तो गाइस इसके लिए जो है ना मैं यहाँ से चीनी जो है ना चीनी को कुछ चीनी लूँगा, ठीक है। मैं अभी फिलहाल इतना चीनी ले रहा हूँ, फूड कलर को लूँगा, ठीक है। फूड कलर को लेने के बाद थोड़ा सा फूड कलर हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए फूड कलर, क्योंकि थोड़ा सा लेंगे क्योंकि ये कलर के हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। पानी का भी यूज में लेंगे तो यहाँ पे मैं पानी का यूज ले रहा हूँ और बस गाइस इस उंगली से इसको जो है ना ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे, ठीक है। तो जो मैं अभी जो है ना अभी आप देख सकते हो ये पूरा गाढ़ा खून के कलर पर बन चुका है और इसको जो है ना गर्म करते हैं। चलो गर्म करते हैं पहले। तो गैस ये आप देख सकते हो अभी बन रहा है, ठीक है, किस तरीके से उबल रहा है और आप देख सकते हो। और चलिए इसको जो है ना अभी हम डालेंगे इसके अंदर वो हमारा मशीन के अंदर। तो चलो छोरा है गाइस आपके आंखों के सामने, कोई झूठ मूठ का वीडियो नहीं है। जो आप देख सकते हो ये हमारे हाथ में कॉटन कैंडी है और इसको जो है ना हम इस मशीन से बनाए हैं। तो चलिए इसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के लिए गाइस मैं इसको जो है इस टाइप से कुछ निकाल दूंगा। गाइस देखो ये है हमारा कॉटन कैंडी, एक कॉटन कैंडी ये है और एक कॉटन कैंडी यहाँ है, ठीक है। गाइस ये रहा हमारा बड़ा वाला कॉटन कैंडी, ठीक है। अभी इसको भी खाएंगे, जो कुछ भी हो रहा है गाइस आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपके आंखों के सामने मैंने बनाया। इसको मशीन को बंद कर लेते हैं। गाइस आपके आंखों के सामने मैंने कॉटन कैंडी को बनाया और आंखों के सामने भी मैं इसको खा रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अगर नया सब्सक्राइबर हो, नया कोई बंदा अगर वीडियोस देखने के लिए आया है, आप समझ सकते हो कि हमारे चैनल पे कितना जेन्युइन कंटेंट अपलोड होता है। आपके सामने ये इसको मैंने बनाया था और आपके सामने मैं इसको खा रहा हूँ। काफी अच्छा है, काफी बहुत ही लाजवाब, ठीक है, स्वादिष्ट।